एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, यहाँ पे ना मेरे पास एक भगवान जी की छोटी सी एक लुटिया ये रखी हुई है और मैं इसको ना पेंट कर रही हूँ। मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया और मैं इसका ना कुछ बनाऊँगी मंदिर के लिए, अपने राधा रानी और कान्हा जी के लिए। तो ये डायरेक्ट क्लिप जो है ना, अब है ये शाम की, जहाँ पे ना मैं सब्जी बना रही हूँ। इन लोगों के लिए तो मैंने आलू गोभी की सब्जी छोंक दी है, दूसरी गैस पे बन रही है, और ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। दो बैंगन रखे थे छोटे छोटे, तो मैं उबाले बिना ना बैंगन को फ्राई करके आज उसका मैंने भरता बनाया और बहुत अच्छा बना, सबको अच्छा लगा। और ये वाला इजी लगा मुझे प्रोसेस, और मैंने तेल भी ना उसी हिसाब से फिर यूज़ किया कि तेल आज ज़्यादा नहीं होने दिया इस भरते में। सो इसमें मैंने आलू नहीं डाला, भरते जैसा ही बन गया था, अच्छा लग रहा था। और आप भी ट्राई कर सकते हैं, एक ईजी और सिंपल रेसिपी है ये, जिसको भी आलू खाना पसंद नहीं है बैंगन के साथ, क्योंकि मैं तो खा नहीं सकती, मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैंने सिर्फ बैंगन की ही सब्जी बनाई अपने लिए और अच्छी बनी थी बहुत। सो यहाँ पे जो है मसाला भुन चुका है, और अब मैं इसमें फ्राई किए हुए बैंगन डाल के ना अच्छे से उसको मैश कर लूँगी, जिससे कि ये कोट हो सके अच्छे से, मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो सके। वैसे तो तलने में ही आधे से ज़्यादा बैंगन गल जाते हैं, और फिर मैंने इसको ना बहुत सिम आँच पर मैंने इसको धीरे धीरे कम से कम 10 मिनट पकाया, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था, फिर उसके बाद इसको मैंने चटका लिया था, तो जो तेल था इसमें थोड़ा आ गया था किनारों पर, और फिर बहुत अच्छी सब्जी बनी थी इसकी। सो मैंने इससे रोटी खाई, और इधर जो है मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखिए हो गया ना, भरते जैसा ही लग रही है सब्जी बिल्कुल। और इस तरफ ये देखिए आलू गोभी, गोभी वैसे मैं बनाती नहीं हूँ गर्मी में, लेकिन हस्बैंड ले आए थे तो मेरे को फिर ये बनानी पड़ी। और इधर जो है मैं बूंदी का रायता बना रही हूँ। सो यहाँ पे मुझे ना पतला वाला रायता खाना अच्छा लगता है, जो गांव में मिलता है ना शादी ब्याह में पूड़ी और आलू की सब्जी के साथ, तो मैं ऐसा ही रायता बनाती हूँ हमेशा बूंदी का, मुझे गाढ़ा रायता नहीं अच्छा लगता। सो आ जाइए, डिनर कर लीजिए आप भी। सो गाइस, फाइनली मैं हूँ आपके सामने इस वक्त, जब हो चुकी है रात और मेरे काम हो चुके हैं जो कि नहीं हुए हैं, मतलब खाना ही बनाया और क्या किया है, कुछ नहीं किया। सो गाइस, आज लाइट ने ना बड़ा परेशान किया। सुबह में जब पूजा वगैरह करके 10 बजे मतलब नाश्ता बनाने की तैयारी में कर ही रही थी, मैंने टमाटर चॉप कर लिए थे, गाजर छील रही थी, लाइट चली गई। फिर वो आई है 12:30 बजे, 12:30 बजे किसी तरह से ना, क्योंकि फिर मन नहीं करता, मैंने दाल और दलिया की खिचड़ी बनाई, ठीक है, फिर उसके बाद फिर चली गई। तो आज लाइट ने था परेशान किया। फिर जब आई दिन में 3:30 बजे, मैंने सोचा चलो मुझे ना एक मटकी बनानी है अपने मंदिर के लिए, राधा रानी और कान्हा जी के लिए, तो मैं वो एक स्टील की छोटी सी लुटिया मेरे पास रखी थी, मैं उसको पेंट करने लगी, तभी चली गई, फिर वो छोड़ दिया बीच में। फिर उसके बाद शाम में आई 7:30 बजे, 7:30 बजे फिर वही है, खाना बनाने का टाइम हो जाता है। तो इतना पूरा बेकार का दिन था ना आज, बहुत बेकार। सो गाइज़ कैसे हैं आप? सो गाइज़ आपको ना एक बात बतानी है मुझे, कि हमारे यहाँ एरिया में ना ऐसा हो रहा है कि घरों में ना आग लग रही है अपने आप से, तो एसी है या सिलेंडर है या फ्लक्चुएशन की वजह से आग लग रही है घर में। मम्मी के उधर एक घर में ना आग लग गई और बड़ा ख़राब लगा, पूरा सामान जल गया। और आज ही प्रियंका ने मुझे बताया कि उसके जो सर हैं उनकी बहन के यहाँ पर भी घर में आग लग गई, तो उनका भी सारा सामान जल गया एसी से लगी उनके यहाँ पे। तब से ना मुझे इतना डर लग रहा है ना कि एसी को कैसे हैंडल करें भाई, आपकी जो सब कुछ ठीक और सेफ रहे। सो गाइस, जो लोग भी बाहर जा रहे हैं ना कहीं पे वेकेशन पे, या कहीं रिश्तेदार के यहाँ पे, या कहीं मायके में रुकने के लिए, तो प्लीज़ पूरे घर की ना लाइट को काट के जाएं, और अपना सेफ्टी सिस्टम के साथ जाएं कि सिलेंडर वगैरह सब ऑफ करें और सारी चीज़ों को देख के जाएं, क्योंकि बड़ा बेकार टाइम आ गया। एक तो सारे चारों तरफ देखो आप, दंगे ही दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ और कहीं कुछ, और अब ये सब होने लगा है। तो देखिए, घर एक ही बार बनता है, बार बार बनाने की तो हर किसी की हिम्मत नहीं होती, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे कि किसी के घर में आग लगे या कुछ हो, हमेशा सब सही रहें, लेकिन अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। सो हम लोग भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि आपको आने वाले वीडियोज़ में पता चलेगा, ठीक है, लेकिन मैं वही सोच रही हूँ कि सारे घर की लाइट वाइट सब बंद करके, मीटर को बाहर से बंद करके ऑफ करके उसको हम लोग तब जाएंगे। सो गाइज़, आज जो है बस यही है, और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने घर का ध्यान रखिए एटलीस्ट बहुत ज़्यादा।
ठीक है ना। और बाकी तो सब ठीक ही है, पानी पीते रहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, और अपना ध्यान रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए और वाटर इनटेक बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि नींबू पानी और शरबत वगैरह पीना चाहिए इस टाइम पर, नारियल पानी वगैरह, तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो अपना ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा, और तब तक चलिए मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और मैं मिलूँगी आपसे कल। और प्लीज़ भगवान से मेरी बड़ी वो है आज की ना, कल लाइट ना जाए ठीक है ना। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल, बाय, गुड नाइट।